हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, हेमांग अमीन। तो हेमांग अमीन बीसीसीआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हिमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व सीईओ राहुल जौहरी का स्थान ग्रहण किया है, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दिया है। बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान में भारत के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सी ऑप्शन, रुदेंद्र टंडन। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो जकार्ता में आसियान में भारत दूत के रूप में सेवारत हैं। वो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी विनय कुमार का स्थान ग्रहण करेंगे। टंडन 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अफगानिस्तान विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और काबुल और जलालाबाद में अपने कार्यकाल की सेवा दे चुके हैं और विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान अफगानिस्तान इराक डेस्क का नेतृत्व कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है पहला ऑप्शन, विक्रम डोरा विस्वामी। तो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम डोरा विस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी हैं और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर बैठक करते हैं। उन्होंने ढाका में रीवा गांगुली दास 1986 बैच के आईएफसी अधिकारी का स्थान ग्रहण किया है। आज का फोर्थ क्वेश्चन। आईआईटी कानपुर ने फिल इन द ब्लैंक्स नाम से एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है। आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शुद्ध। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधक सहायक शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। डिवाइस की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसे दूर से संचालित किया जा सकता है और इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पतालों, होटलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों में स्थापित किया जा सकता है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकता है। क्लियर है, आज का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष के मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरबख्श सिंह। एटी के मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह को और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी और अस्थायी तालाबंदी के कारण क्लब ने इस साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस समारोह आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। अवार्ड्स के कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं आज के सिक्स्थ क्वेश्चन पे। वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? फिर से एक अवार्ड कैटेगरी का एक क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, डॉक्टर कैला शवादिवु सिवन। ये इसका सही जवाब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर कैलाश शवादिवु सिवन को अंतरराष्ट्रीय एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। उन्हें 2021 में पेरिस फ्रांस में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव,
वॉन कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें ये पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं आज के सेवेंथ क्वेश्चन पे। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड इसका सही जवाब है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के लेखक ने पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। आज का एट क्वेश्चन, वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए किस बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है? ए फेडरल बैंक इसका सही जवाब है। भुगतान प्रौद्योगिकी में वैश्विक दिग्गज वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। यह सुविधा बैंक के कार्ड धारकों को दी जाएगी। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। नाइंथ क्वेश्चन, नाबार्ड ने अपनी पहली फिल इन द ब्लैंक का आयोजन करके दो योजनाएं आवंटित की है। रिक स्थान पर पहला ऑप्शन सही है, डिजिटल चौपाल। नाबार्ड ने अपने पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन करके प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक योजना शुरू की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड द्वारा 13 जुलाई 2020 को वित्तीय वर्ष 2023 तक 35,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान वितरित करेगी, जिससे प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए मिलान अनुदान जारी करना होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, हरियाणा में 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? सी ऑप्शन नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 11 परियोजनाओं में से 2,240 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की 8 और परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी गई है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।